नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार की राजनीति में मची हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने के पहले बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसके कई अंदेशे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस दौरान क्या कुछ और होने वाला है उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आप समझिए कि अभी कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि उम्मीद ये भी है कि बीजेपी के कई मंत्री इस्तीफा भी सौंपने वाले हैं। बिहार की राजनीति में मची हलचल के बीच बड़ी खबर ये भी है कि नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात होने से पहले करीब 1:30 बजे बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी कोटे के सभी मंत्री राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। वहीं इस बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी के सभी 16 मंत्री गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल सभी मंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी के सारे मंत्री राजभवन के लिए रवाना होंगे। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार से मिलने के लिए 2 बजे का समय दिया है। ऐसे में खबर यह है कि नीतीश कुमार दोपहर 1 बजे राजभवन पहुंचेंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी बिना इस्तीफा दिए पूरी सरकार को खास कर देंगे। इसके बाद गठबंधन के साथ नई सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। तो देखा आपने, नीतीश कुमार अब राज्यपाल से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसका इंतजार हम सभी को है। फिलहाल क्या कुछ निकल कर सामने आता है उससे हम आपको यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे न्यूज़ पीआर के साथ।